13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अगर आज आपके इस जिरके में इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए तो याद रखिएगा, और वो उस कबाइल बिखर के रह जाएंगे और इसके साथ ही अनातोलिया पर इनहिसार करने वाली सलजूक रियासत खत्म हो जाएगी। मार दो इस बूढ़े को। नहीं, नहीं। और हलीमा सुल्तान को नोयान की कैद में ले चलो। उन्हें हमारा सुराग मिल गया है, वो ताकुब में है। अगर जल्दबाजी में आपने उसका सर कलम कर दिया तो बाद के हालात आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। कहां से आ रहे हो तुम? जब मैं यहां से जा रहा था उस वक्त भी तुम ही थे ना। हाइवा खानम का सामान लेकर आया हूं। क्यों रुक रहे हो? यहां खतरा है नोयान, अंदर मत जाना।
गेगली उन्हें हमसे दूर ले गया हजरत, अल्लाह खुश रखे उसे। आमीन। कौन है आप लोग? कहाँ हूं मैं? कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? अल्लाह की रजा से हम दिलों पर लगे कुफल तोड़ने जा रहे हैं बेटा। क्या हम वक्त पर पहुंच जाएंगे आला हजरत? इंशाअल्लाह जरूर पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। Thank you.
नाजुक हालात का कोई ख्याल नहीं रखा सरदार कोरकुत ने। साफ नजर आ रहा है कि वो अर्तुरुल की मौत चाहते हैं। आपको क्या लगता है? जो हमला कल रात किया गया, कबीले वाले उसका जिम्मेदार भी अर्तुरुल को ही समझते हैं। दोनों कबाइल की बदनामी से इश्तियाल मजीद बढ़ गया है। क्या आपकी इजाजत है कोरकुत सरदार? आपको इजाजत है। इंसाफ का बोलबाला होगा, हक की जीत होगी। शुरू कीजिए। ओवोस के बहादुर सरदारों, काई और दो दुर्गा के मोजिजीन, हमारी रिवायात हमें इंसाफ के फैसलों पर कायम रखें। सुलेमान शाह के फर्जंद अर्तुरुल का ये मुकदमा शुरू किया जाता है। इन पर इल्जाम है सलजूक रियासत के वजीर आर्तुकुश और दो दुर्गा के बहादुर सिपाह सलार तूतकिन को बेदर्दी से कत्ल करने का। इसके अलावा दो दुर्गा के जांबाज कोजाबाश को मौत के घाट उतारने का। तो बताइए, सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल, रियासत के किस जुर्म की सजा तुमने वजीर आर्तुकुश को दी? किस बिना पर दो दुर्गा के बहादुरों को मौत की नींद सुला दिया? अदालत शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमे का फैसला करेगी। सच है ये इल्जामात? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अपनी मर्जी से आया हूं यहां, वरना आप में से कोई नहीं ला सकता था मुझे। मैं खुद आना चाहता था ताकि कबीले के मुअज्जिज़ीन पर जालिमों और दुश्मनों की हकीकत आश्कार हो जाए। वक्त जाया किए बगैर जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। जवाब यह है कि यह बातिल अदालत ओवोस कबाइल के इत्तेहाद को खत्म करने का आगाज होगी। अदालत के खिलाफ एक और लफ्ज भी निकाला तो अभी तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना दूंगा। कबीले के मुअज्जिज़ीन, जिस रोज से मैंने तलवार अपने हाथ में उठाई है, किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाया मैंने। मैंने हमेशा जालिम के खिलाफ जिहाद किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक जालिम को अगर जहन्नुम वासिल कर दिया जाए तो बहुत से बेगुनाह बच जाते हैं। इस सोच के साथ, ये कैसे मुमकिन है कि अपने मेहमान आर्तुकुश भाई और तूतकिन की जान ले लूं मैं? हां, कैसे? हां, गद्दार कोजाबाश को मैंने ही मारा है, नदामत नहीं इस पर। तो क्या उस गद्दार का सर कलम करना तुम्हारे लिए जायज था? हाँ, जब आंखें बंद हों सरदार की और गद्दार पलते रहे तो बिल्कुल जायज था। अरे ये कैसी बातें कर रहा है? अर्तुरुल को अर्तुरुल का ये क्या हो रहा है?
कुछ भी तो हर तुम ऐसे नहीं सोचे बिल्कुल भी एहतराम खत्म हो चुका है ये बिल्कुल भी सही नहीं है लिहाज ही नहीं कि जैसे मुझे सरदार नहीं सिखा है और वो भी सरदार के सामने ये तो सरदार है किस तरह की बकवास करता है खामोश हो जाएं आप सब अदालत का एहतराम मलहूज़े खातिर रखा जाए कोजाबाश की गद्दारी का कोई सबूत है आपके पास اجداد کی سرزمین سے یہاں تک کئی ظالموں کو پسپا کر چکا ہوں اور بہت سے غدار بے نقاب کی بالکل صحیح بات ہے زندگی نے غداروں کی فطرت کی پہچان کا ہنر دیا ہے مجھے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوجاباش محترم وزیر اعظم آرتکش کی شہادت کا سب سے بڑا قصوروار تھا اس نے ان کا تعاقب کر کے منگولوں کے بیچ پہنچایا اور یہی کیا اس نے توتکین کے ساتھ بھی منگولوں نے ہمارے سارے جنگجو شہید کر دیے تو آخر کوجاباش کیسے بچ گیا ان سے اپنے ظلم اور بے رحمی کے لیے مشہور ہے نویا تو کیسے اس کی جان بخش دی نویان اسے زندہ چھوڑ کر چاہتا تھا کہ مجھے قاتل ثابت کرے وہ چاہتا ہے کہ یہاں موجود دونوں قبائل ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گائی قبیلہ اور دو درگا قبیلہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں اور موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ اناتولیا پر حملہ کر دیں کاش کہ صرف اکیلا کوجاباش غدار ہوتا میرے برابر میں موجود کارابیک نویان کا بہت ہی خاص پالتو ہے خاموش دیکھو تو صحیح الزام پہ الزام الزام پہ الزام لگا رہا ہے چرکے میں بیٹھنے کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں اوقات میں رہو ہونی چاہیے اپنی حد سے آگے نہ پڑھو مگر یہ تو سننے کے لیے تیاری ہے بالکل صحیح کہہ رہا ماننی چاہیے اس سے تمیز نہیں ہے چرکے میں بیٹھ کے اس طرح کی کوئی باتیں کرتا بالکل صحیح بات ہے اسے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے معززین یہ پالتو خود تو بے ضرر ہے لیکن دشمنوں کو قبیلے کا راستہ دکھاتا ہے اس پالتو نے نویان کے ساتھ مل کر اووس قبائل کو نشانہ بنایا نویان جب اس ہاتھ کو زخمی کر رہا تھا اس وقت اس کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی یہ تو غدار ہے اور کیا بالکل صحیح کہتے ہو ہاں بالکل اس کو کیا کہا جا رہے ایسے غداروں کے ہمارے قبیلے میں جگہ نہیں مار دو اسے جواب دو کارابے مجرم ہے یہ اور قتل کی سزا سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اس آدمی نے اپنی تلوار اور زبان
शैतान के नाम कर दी है, ये सिर्फ गद्दार नहीं कातिल है, बेरहम कातिल। और अब मुझे बदनाम करके ये गद्दार आप लोगों को रियासत के खिलाफ भड़का रहा है। इसके इल्जाम बेबुनियाद है जबकि मेरे पास गवाह मौजूद है। पेश करना चाहूंगा गुमुश्तकिन। आज हकीकत सब पे आया हो जाएगी कारावे। इजाजत है। जो कुछ कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। जो कुछ भी कहूंगा मैं सच कहूंगा। वहां बैठ जाओ। इब्राहिम योनू जो हमारे सामने है, मरहूम वजीर आर्तुकुश का जाती मुहाफिज था। इसने बहुत से मुहाजों पर उनका साथ दिया। ये एक बेहतरीन जंगजू है और इसके वालिद सुल्तान के दस्ते में अव्वल दर्जे पर है। और अब ये खुद बताएगा कि आर्तुकुश साहब को किसने शहीद किया और उनके सिपाहियों को कितनी बेरहमी और बेदर्दी से मारा गया। गद्दार, मैं अर्तुरुल हूं, काई कबीले से। तुम सब गद्दार हो। गद्दार, तुम सब गद्दार हो। गद्दार हो तुम सब। मेरे भाई जब एक एक करके काई वालों के हाथों शहीद किए जा रहे थे, अर्तुरुल वहां मौजूद था और इसके जंगजू भी इसके साथ थे। मैं वहां से अपनी जान बचाकर बहुत मुश्किल से भागा था, वरना मुझे भी ये लोग बेदर्दी से मार देते। मैंने जो कहा बिल्कुल सच कहा, वहां मैंने जो देखा बता दिया। तुमने बिल्कुल सही कहा है मेरे भाई, मैंने भी तुम्हें देखा था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वहां सब कुछ हो चुका था। वजीर आजम आर्तुकुश ने खुद उस जगह आने के लिए कहा था मुझे। आखिर खुद ही एतराफ कर लिया तुमने। अब इस चिरके को मजीद अपने अल्फाज के हेर फेर से गुमराह नहीं कर सकते अर्तुरुल। तुम्हें तो कबीला बदर किया गया था, अर्तुकुश साहब तुम्हें वहां किस तरह बुला सकते हैं? हमें गुमराह मत कीजिए। शुक्रिया आपका। ऐसी हालत में आपको कभी नहीं देखा मैंने। मुझे नजर आ रहा है कि आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसी सरदारी के हुसूल के लिए मैंने मोहब्बत का ढोंग रचाया, फिर जाके मुझे उसकी बीवी से छुटकारा मिला। मैं बहुत अरसे से ये अजाब झेल रही हूं गोंजा गुल, किस लिए? वो उसके इत्तेहाद के लिए और उनकी ताकत के लिए, खजार से फरात तक बसने वाले मुहाजरीन को यकजा करने के लिए। इसके सिवा और कोई मकसद नहीं मेरा। अपने भाई का साथ दूंगी मैं और उनके मकसद के लिए खुद को वक्फ कर चुकी हूं मैं।
कौंजागुल, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने किया है। अब तुम ही मुझे बताओ जरा, जिसकी जान इस वक्त सूली पे लटकी है, इस वक्त उससे ज्यादा कौन बेचैन हो सकता है? मुझे जिसका अरसे से इंतजार था वो शायद गुंडोगदु ही था, किसी साजिश के तहत नहीं। अपनी खुशी से निकाह करूंगी मैं उससे, सिर्फ बाबा की वजह से नहीं, ना ही आपके लिए। उनसियत हो गई है मुझे उनसे, लेकिन हमारे इरादों की तकमील किसी मौजज़े के बगैर मुमकिन होना बहुत मुश्किल है। सब परेशानी में मुब्तला हैं, लेकिन कोकचे का गम हम सबसे बहुत ज्यादा है। मोहब्बत पाने से पहले ही उससे जुदा हो गई बेचारी। शहीद होने वाले जंगजुओं का हिसाब चाहिए। तमाम मामलात वाज़ेह हो चुके हैं, अब मजीद किस सबूत की जरूरत है आपको? मुकदमा जल्दी निपटाइए आप। तेज इंसाफ ही बेहतरीन इंसाफ है। गवाह को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल पर, वजीर आर्तुकुश पे हमला करने और उनके सिपाहियों को कत्ल करने के इल्जामात का गवाह हमारे सामने मौजूद है। साथ ही दो दुर्गा कबीले के सिपा सलार तूतकिन को भी बिल्कुल ऐसे ही एक हमले में बेदर्दी से मार दिया गया। और जिंदा बचकर जख्मी हालत में कबीले वापस पहुंच जाने वाले दो दुर्गा के बहादुर सिपाही कोजाबाश को भी बेदर्दी से पूरे कबीले के सामने मार दिया गया, उसका सर धड़ से जुदा कर दिया गया। अर्तुरुल मुजरिम है, अर्तुरुल बेगुनाह है, हम नहीं मारते ये फैसला, कुछ भी होता है हम ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अर्तुरुल बेगुनाह है, हमारा सरदार जालिम नहीं हो सकता, इसमें लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं, झूठे हैं, हमारा सरदार बेगुनाह है। अदालत का एहतराम करें, खामोश हो जाए। अदालत दोनों कबीलों के साजगार हालात को मद्देनजर रखते हुए इस खैमे के सामने जहां अदालत कायम की गई, मोजिजीन और दोनों कबाइल की मौजूदगी में मौत की सजा पर फौरी अमल दरामद करने का हुक्म सुनाती है।
अदालत सरदार कोरकुत को जो एक मकतूल के वालिद हैं और असास का हक भी रखते हैं, उन्हें अपना इंतकाम लेने का हक देती है और मुजरिम का सर कलम करने का हुक्म सुनाती है। नहीं, नहीं, गलत है। ये फैसला बिल्कुल गलत है। बेगुनाह है। नहीं मानते हम इस फैसले को। सारे इल्जाम झूठे हैं। हमारे सरदार का गुनाह है। सरदार को इंसाफ दीजिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा बेटा बेकसूर है। झूठा इल्जाम है उस पर। सफाई में कुछ कहना चाहेंगे सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल? अल्लाह साथ हो तो गम नहीं गुमश्तकिन। बुराई के खात्मे के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी तो उनके मानने वाले भी पीछे नहीं हटेंगे कभी। सजा के लिए ले जाया जाए मुजरिम को। अर्तुरुल बेगुनाह है। हमारा सरदार जालिम नहीं हो सकता। इस पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। उसके झूठे हैं। हमारा सरदार कैसा है? सजा से पहले आखिरी बात पूछनी है आपसे। जी पूछिए गुंडोगदू भाई। क्या इस मुकदमे की खबर सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचा दी थी आपने? सुल्तान अलाउद्दीन, अर्तुरुल को बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं उसे। उन्हें इस फैसले के बारे में कोई खबर नहीं पहुंची है तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें। ये वक्त इन बातों का नहीं है। क्या आप खाना जंगी करवाना चाहते हैं गुंडोगदू? जब तक अर्तुरुल की सांस चलती रहेगी दस्तों के रेबा रहेंगे दोनों कबीले। सुल्तान अलाउद्दीन को
इस खबर से आगाह करने के लिए तेली तमीर और हलीमा सुल्तान कोनिया पहुंच चुके होंगे। आखिर तुम्हें ख्याल आ ही गया अपनी बहू के शहजादी होने का? क्या इस बात का फायदा उठाओगी? अगर अदालत से हक नहीं मिलेगा तो अपना हक हासिल करना खूब जानती हूँ मैं। फैसला हो चुका है, अर्तुरुल कातिल है, उसे सजा मिलकर रहेगी। इंतकाम में अंधे हो चुके हैं आप, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है आपको। इसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा, हम सब लोगों को। हाइमा खातून, गुंदोगतू भाई, यकीन कीजिए मुझे भी इस फैसले पर बहुत दुख है। कोजाबाश का कत्ल उसने खुद कबूल किया है। उस सलजूक सिपाही की गवाही के बाद मेरे लिए कोई और फैसला करना मुमकिन नहीं था। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अर्थरुल जब पैदा हुआ था तो सबसे पहले उसे आपने गोद में लिया था। उसके बाबा जब जंग से जख्मी होकर लौटे थे, आप उनके पास लेकर गए थे उसको। अर्थरुल उस दिन जितना मासूम था, आज भी उतना ही मासूम है। मत करे ऐसा। हम इंसाफ चाहिए, इंसाफ मेरे बेटे को मारा है। कसास मेरा हक है, ये हक कोई नहीं छीन सकता। कोरकोट वालिद, अर्तुरुल भाई बेकसूर है। कर रहे हैं मामू जान, अब बच नहीं सकते तुम। अगर जरा सा भी ईमान बाकी है तुम में तो कलिमा पढ़ लो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाँ मैं ठीक हूं बेटा, अपने भाई को बचाना है तुम्हें, जाओ। फिक्र ना करें, यहीं रुके आप, मैं अब उन्हें उन्हीं की जबान में समझाता। जाओ।
हालमा खानम और कुंदोग तू दोनों बाहर नहीं आए अभी तक, यानी दोनों को जबरदस्ती अंदर रोका हुआ है। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। दुआन, बामसी, तुर्कुत, वक्त आ गया है हमले का। अर्तुरुल भाई को अब तुम्हें ही बचाना होगा। को बचाओ, जाकर जाओ, जल्दी जाओ बेटा। अर्तुरुल, आ गया सामने, अब कहां जाओगे? आपके ख्याल में सरदारे आला का ओहदा हासिल करना इतना आसान होगा? मुश्किलात भी आएंगी, जाल भी बिछाए जाएंगे, जब तक तकलीफें नहीं उठाएंगे तब तक फतह का लुत्फ कैसे आएगा?